आज के वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको अपने वीडियो में इंड स्क्रीन लगाना नहीं आता है। बहुत सारे लोग जो है ये देखते रहते हैं वीडियो, और वीडियो के अंत में जो है नया नया जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाता है, सब्सक्राइबर मिल जाता है, या आपको नया वीडियो आने वाला वीडियो मिल जाता है, तो वो कैसे लगाया जाता है वो जो है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं उनको नहीं पता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है ये देखेंगे कि अपने वीडियो के इंड में लास्ट में कैसे जो है आप इंड स्क्रीन को भी वीडियो कैसे लगाएंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन कैसे लगाएंगे। तो आपको ये देखने के लिए कि कैसे अपने वीडियो में इंड स्क्रीन लगाया जाता है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से अपने वीडियो में इंड स्क्रीन कैसे लगाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने वीडियो में लेटेस्ट वीडियो का आप इंड स्क्रीन कैसे लगाएंगे। आप अपना सब्सक्राइबर लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। आप 4 वीडियो, 2 वीडियो, 1 सब्सक्राइबर, 1 वीडियो, 2 वीडियो, इस तरीके से जो है आप अपने वीडियो में इंड स्क्रीन में इतने सारे लगा सकते हैं, जैसे सब्सक्राइबर लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। तो आप कैसे लगाएंगे अपने वीडियो में वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि आप अपने वीडियो में किस तरीके से इंड स्क्रीन में आप जो है कोई भी वीडियो, प्लेलिस्ट और सब्सक्राइबर कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको पहले अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यूट्यूब आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करके अपना चैनल को ओपन कर लेना है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर चैनल आ चुका है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है पहले सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर देखिए सेटिंग वाले को ओके करना है। अब यहाँ पर देखिए चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, कंटेंट है, प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट वाले पे आपको जाना है। जैसे इस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो पूरा वीडियो आ जाता है, आप कौन सा वीडियो में आप इंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं, अपना जो है प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर या वीडियो, कौन सा वीडियो में आप जो है आप इंड स्क्रीन में लगाना चाहते हैं, वो वीडियो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में इंड स्क्रीन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रिगर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर देखिए कि इंड स्क्रीन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिएगा आपको इतना सारा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट फ्रॉम लेटेस्ट वीडियो, यहाँ 4 वीडियो को आप लगा सकते हैं, यहाँ 1 वीडियो 1 सब्सक्राइबर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लेलिस्ट 1 सब्सक्राइबर, 2 वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 वीडियो 1 प्लेलिस्ट, और यहाँ पे 1 वीडियो 1 प्लेलिस्ट और 1 सब्सक्राइबर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1 वीडियो 1 सब्सक्राइबर, तो मैं इस वाले पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जो है पहले आप वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर वीडियो पर जाऊँगा और यहाँ से आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो जो भी लेना है इस वीडियो पे जाके आप वीडियो ले सकते हैं। जैसे मैं इस बार ये वीडियो लेता हूँ, तो ये मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। इसको देखिए ये वीडियो आ चुका है आपका यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 सब्सक्राइब आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है इस वाले पे आपका सब्सक्राइब है, जहाँ पे देखिए कि यहाँ सब्सक्राइब एलिमेंट है, अब इसको क्लिक करके हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब सिर्फ वीडियो है, ठीक है। अब और यहाँ पे जो है आप यहाँ चाहते हैं इस तरीके से सब्सक्राइब, तो यहाँ सब्सक्राइब भी आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपका सब्सक्राइबर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर एलिमेंट इस तरीके से यहाँ पर आप सब्सक्राइब आ चुका है, सब्सक्राइबर एलिमेंट, और यहाँ पर आपका वीडियो आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर सेव कीजिएगा तो ये जो है आपके वीडियो के इंड स्क्रीन में चलेगा, ठीक है। सो आज इस तरीके से आप वीडियो के इंड में आप जो है इंड स्क्रीन लगा सकते हैं, अपना कोई भी लेटेस्ट वीडियो लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट और सब्सक्राइबर भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।